अस्सलामु अलैकुम क्लास, होप यू आर फाइन। मूव टू आवर टॉपिक, वी विल लर्न अबाउट ग्लॉसरी वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लॉसरी वर्ड्स इन डिटेल। बायोलॉजिस्ट के बारे में हमने डेफिनेशन की हद तक पढ़ना है और इसकी डिटेल मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में बताऊंगी। बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, के साइंसदान जो स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में उनको कहते हैं बायोलॉजिस्ट। क्लासिफिकेशन, के क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासीफाई मतलब क्लासीफाई करना, इनको डिवाइड करना, ठीक है। बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इंटू ग्रुप्स, के जो बायोलॉजिस्ट है वो डिवाइड कर देते हैं तमाम चीज़ों को डिफरेंट ग्रुप्स में। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन, इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी फर्दर डिटेल देखेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होती है और इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, द नेक्स्ट वन, किंगडम। किंगडम क्या है? Biologists classify all living things by dividing them into large groups called kingdom. कि जो biologist हैं वो classify करते हैं तमाम living things को। कैसे classify करते हैं? By dividing them into large groups, कि इनको तकसीम कर देते हैं, divide कर देते हैं बड़े बड़े groups में, इनको हम कहते हैं कि kingdom, ठीक है। पैरामीशियम क्या है? अ पैरामीशियम इज़ अ प्रोटिस्ट कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सीलिया। जो पैरामीशियम है वो प्रोटिस्ट है वो, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसके जो बॉडी के इर्द गिर्द हैं वो थ्रेड्स होते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, ठीक है। उसको क्या कहा गया है, स्पेशल नेम दिया गया है सीलिया का, ये भी हम फर्दर देखते हैं। बोटैनिस्ट, बोटैनिस्ट क्या होते हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी प्लांट्स आर कॉल्ड बोटैनिस्ट, के ऐसे साइंसदान जो स्टडी करते हैं सिर्फ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, आर कॉल्ड बोटैनिस्ट, के इनको बोटैनिस्ट कहते हैं। क्लेमेडोमनास, कि क्लेमेडोमनास क्या है? क्लेमेडोमनास इज़ अ सिंगल सेल्ड एल्गा डैट स्विम्स अबाउट इन वाटर। कि क्लेमेडोमनास सिंगल सेल एल्गा है जो के मूवमेंट शो करता है पानी में, कहीं और मूवमेंट इसकी नहीं देखी जा सकती। स्पायरोजायरा क्या है? स्पायरोजायरा इज़ एन एल्गा, स्पायरोजायरा भी एल्गा है, डैट डज नॉट मूव एट ऑल, और ये मूवमेंट शो नहीं करता, कहीं भी नहीं करता। अब देखें, क्लेमेडोमनास और स्पायरोजायरा में एक चीज़ तो कॉमन है कि सिंगल सेल्ड एल्गा हैं। दूसरी चीज़ इनमें डिफ्रेंस ये है कि वो क्लेमेडोमनास मूवमेंट शो करता है पानी में, स्विम कर जाता है, लेकिन स्पायरोजायरा मूवमेंट नहीं करता, ये भी हम देखेंगे। हाइफी क्या होते हैं? हाइफी, ऑल फंजाई आर मेड अप ऑफ टाइनी थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी, की जो फंजाई फंगस की बॉडी है वो बनी होती है थ्रेड से, बहुत छोटे छोटे थ्रेड से, उसको हाइफी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि हाइफी में हमने छोटे छोटे जो थ्रेड्स थे हेयर लाइक थ्रेड्स, उसको हमने हाइफी का नाम दिया, और वही कैटेगरी पैरामीशियम में पड़ी है, वहाँ पे छोटे थ्रेड्स को सीलिया का नाम दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अच्छे से लर्न करना है और माइंड में बिठाना है। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोलॉजिस्ट, कि बायोलॉजिस्ट क्या है? साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, के ऐसे साइंटिस्ट जो सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें और उसको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। हमने अभी ग्लॉसरी वर्ड्स में देखा था कि बोटैनिस्ट भी वर्ड यूज़ किया गया है, ऐसे साइंसदान जो सिर्फ पौधों को डिस्कस करें, उनके बारे में रिसर्च करें, उनको कहते हैं बोटैनिस्ट, और बायोलॉजिस्ट कहते हैं। असल में ना बायो का लफ्ज़ निकलता है बायोस से, यानी लाइफ से, लिविंग से, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे साइंसदान या ऐसे साइंटिस्ट हु स्टडी, जो कि सिर्फ स्टडी करें लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ों को। अब देखें, पैरामीशियम भी क्या है, ये भी मूवमेंट शो करता है ना, मतलब कि ये लिविंग थिंग है, इसके ये देखें साइड्स पे हेयर लाइक थ्रेड्स भी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बारे में मैं यूँ कहूँगी कि क्लासीफाई करना, डिवाइड करना,
किसी भी चीज़ की खसूसियात के बिना पर क्यों डिवाइड करना। अब डिवाइड हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्टडी ईजी हो जाए। यहाँ पे आप दो डायग्राम देख रहे हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट की है और एक नॉन फ्लावरिंग की है। मतलब ये कि फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स लगे होते हैं और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें नहीं लगे होते, हम इनको अलग अलग कैटेगरी असाइन करते हैं ताकि इसको स्टडी करना आसान हो जाए। देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्लांट्स की एग्जाम्पल दी गई है। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, सम प्लांट्स डोंट हैव फ्लावर्स के कुछ में बिल्कुल फ्लावर्स नहीं होते, उनको अलग कैटेगरी असाइन कर देते हैं कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। बोथ आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन किंगडम, अब किंगडम की तरफ मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसा है कि किंगडम के अंदर हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको क्लासिफाई करते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखें, ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप, टू मेन किंगडम्स आर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, कि जो दो मेन किंगडम हैं वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, यानी बड़े बड़े हमने ग्रुप ह्यूज ग्रुप्स बनाए हैं और हमने उसमें क्या किया था, क्लासिफिकेशन में स्मॉल ग्रुप्स बनाए थे ताकि हम उसको स्टडी करना ईजी करें। इन्होंने तो सिंपल कर दिया है कि एनिमल्स और प्लांट्स का अलग अलग ग्रुप बना लिया। अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन करना चाहें तो बताएं, ऐसा हो सकता है ना कि जिराफ लाइन टाइगर को अलग अलग कैटेगरी असाइन कर दी जाए ताकि इनके फीचर्स डिस्कस करना स्टडी करना ईजी हो। बिल्कुल ऐसे ही है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इंटू लार्ज ग्रुप्स, इसको हम किंगडम कहते हैं। मूव टू द नेक्स्ट, पैरामिशियम। वट इज़ पैरामिशियम, हमने पहले भी डिस्कस किया था। पैरामिशियम इज़ अ प्रोटिस्ट कवर्ड विद हेयर लाइक थ्रेड्स कॉल्ड सीलिया। अब देखिए सीलिया क्या थे, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है डायग्राम में। साइड्स पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं मूवमेंट में। ठीक है, जो हम मूवमेंट शो होती है पैरामिशियम की वाटर में वो इन थ्रेड्स से होती है। इन थ्रेड्स को स्पेशल नेम दिया गया है सीलिया का, मींस सीलिया इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ द पैरामिशियम। ओके क्लास, आज का लेसन यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।